बिजली के बादशाह सर निकोला टेस्ला क्यों नंबर 369 से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड थे और क्यों उन्होंने कहा कि नंबर 369 इस दुनिया के सभी रहस्यों को सुलझा सकता है। आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि वो सब आपने कभी नहीं सुना होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि सर निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिक मोटर्स, रेडियो, रिमोट कंट्रोल और सबसे जरूरी अल्टरनेटिंग करंट की नींव रखी थी, और इन बातों को सुनते ही आपके मन में बैठ गया होगा कि निकोला टेस्ला कितने असाधारण व्यक्ति थे। इतनी कमाल की खोजें दुनिया को देने के बाद भी निकोला टेस्ला की जिंदगी बेहद दुखों से भरी हुई थी। सबसे पहली दिक्कत जो कि पूरी जिंदगी चली वो ये कि निकोला टेस्ला कुछ भी नया बनाते तो उनके कलीग्स उन्हें हमेशा यही बोलते कि इसे बाहर मत बताना। इनफैक्ट जनवरी 1943 में सर निकोला टेस्ला बिल्कुल अकेले न्यूयॉर्क के एक होटल में मृत पाए गए, और जिन लोगों ने उनके साथ थोड़े टाइम के लिए भी काम किया था उन्होंने ही बाद में सर टेस्ला की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वो दुनिया को उनके माइंड के बारे में बताना चाहते थे, तो क्यों ना हम पहले निकोला टेस्ला की थोड़ी हैबिट्स के बारे में जान लें। तो सबसे पहली आदत जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी और जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ वो ये कि सर निकोला टेस्ला रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोया करते थे। कोई भी खाना खाने से पहले अपने सामने रखे खाने की एग्जैक्ट वॉल्यूम वो अपने चम्मच पर ही निकाल लिया करते थे। साथ ही टेस्ला को पता नहीं क्यों पर डायमंड के ज्वेलरी से बहुत ज्यादा नफरत थी। यहाँ तक कि जो महिलाएं इस तरह की ज्वेलरी पहनकर उनके सामने आती थी वो उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि इस तरह की चीजें उनके काम से बहुत ज्यादा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब कोई महिला तो इन चीजों के बगैर रह नहीं सकती, ये तो आज भी सच है। इसलिए बेचारे सर निकोला टेस्ला ही पूरी जिंदगी बिना महिला के काट गए। एक महिला को अपना जीवन साथी बनाने के बजाय उन्होंने तोतों को बहुत पसंद किया, इसलिए अपने इन पंखों वाले दोस्तों को खाना खिलाने के लिए वो कई बार सेंट्रल पार्क जो कि न्यूयॉर्क में बना हुआ है उसमें जाया करते थे। अगर उन्हें कोई भी पक्षी घायल अवस्था में दिखता तो वो उसे तुरंत अपने पास उठाकर ले आते और उसका इलाज करते। और उनकी ये आदतें यहीं खत्म नहीं होती। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सर निकोला टेस्ला का पूरा जीवन 369 नंबर से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे उनकी डेली रूटीन में ये नंबर फिट बैठ गया। सबसे पहली बात, टेस्ला हमेशा अपने एक बार हाथ धोने की बजाय 3 बार हाथ लगातार धोया करते थे। किसी भी नई बिल्डिंग में जाने से पहले वो हमेशा उसके 3 चक्कर लगाकर उसे चारों तरफ से देखते। बेशक आपके लिए ये आदतें बहुत अटपटी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि वो इन नंबर्स के लिए इतना पैशनेट क्यों थे। हमें पता है कि उनको कोई मानसिक बीमारी भी नहीं थी, इसलिए जरूर इसके पीछे कोई कारण मौजूद होगा। अगर आप 369 नंबर की मिस्ट्री को सुलझा लेते हैं तो यकीन मानिए आपके हाथों में इस पूरे ब्रह्मांड की चाबी होगी। ये बात मैंने नहीं बल्कि सर निकोला टेस्ला ने अपने मुंह से कही थी। ये नंबर तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन नंबर्स में स्पेशल क्या है? तो अब मैं आपको उनके इस क्लेम के पीछे जो बैकग्राउंड मौजूद है उसमें लेकर चलता हूँ। तो बेसिकली टेस्ला को एक सुपरस्टिशियस पर्सन माना जाता था, जिसका मतलब ये था कि कुछ कॉरेस्पोंडेंस नंबर्स हैं जो उन्हें हर जगह फॉलो कर रहे हैं। उनके सामने नंबर्स बार बार आ रहे थे और जब उन्होंने दुनिया का इतिहास समझा तो उसमें भी 369 का अलग ही रहस्य मिला। एग्जाम्पल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर इजिप्ट के पिरामिड्स को ही देख लीजिए जो कि ट्रायंगुलर शेप में बने हुए हैं। अब इस फोटो में आप क्रिश्चियन धर्म के ट्रिनिटी ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन्हीं नंबर्स की एक साइंटिफिक बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर 3 का मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ टेस्ला के 369 मेथड की, और इसे समझने के लिए इसकी थोड़ी सी गहराई में हमें जाना होगा। और शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। 19वीं शताब्दी के अंत में एक महिला जिसका नाम हेलेना ब्लावत्स्की था, उसने सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग हैं हमें बिल्कुल उसी तरह के लोग और उसी तरह का आसपास का माहौल पसंद आएगा, और यही चीज हमारी डेली लाइफ में लागू भी होती है। लेकिन इन सब बातों के बीच में 369 नंबर का क्या रोल है? अगर आप इस जिंदगी बदल देने वाले मेथड को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें 3 नंबर ये बबताता है कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी 3 इच्छाओं को सोच लीजिए और उनका एक फॉर्मूला बना लीजिए। जी हाँ, उन इच्छाओं का फॉर्मूला बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, और वो ये कि अब बहुत से लोग ये बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन माई लाइफ, लेकिन उसकी जगह आपको अंदर से महसूस करना होगा कि आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। जब आपको अपनी जिंदगी की 3 इच्छाएं वो मिल जाएं, तब जरूरी हो जाता है अपनी जिंदगी में उन्हें लागू करना, और यहीं पर नंबर 6 निकलकर सामने आता है। और यहाँ आपको अपने पूरे दिन में 6 बार उन सोची गई 3 इच्छाओं को मन मन में 6 बार रिपीट करना है, लेकिन ये रिपीटिशन
ऐसे ही फॉर्मली नहीं होना चाहिए, यहाँ आपका पैशन दिखना बहुत जरूरी है। और फिर आती है आखिरी नंबर यानी कि 9 की बारी, और यहाँ पर अब आपको खुद का एक ऐसा मंत्र बनाना होगा जिसे आप मन ही मन में 9 सेकंड्स में पूरा कर सकें। लेकिन उस मंत्र में वो लाइंस होनी चाहिए जो आपको आपकी इच्छाएं पूरी करने वाली दिशाओं में लेकर जाएं। और इसी 369 वाले रहस्य पर निकोला टेस्ला चले। और अगर आज भी कोई इंसान इस मेथड को रेगुलरली इस्तेमाल करे तो मेरा ये मानना है, और मेरा ही क्या, ये तो निकोला टेस्ला का भी मानना था कि इसके परिणाम किसी भी आदमी को शुरुआत करने के सिर्फ 3 हफ्तों में ही मिल सकते हैं। आम भाषा में 369 मेथड किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी का ना सिर्फ लक्ष्य बताता है बल्कि उस आदमी को उस लक्ष्य की तरफ लेकर भी जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ 369 मेथड आपकी ज़िंदगी में कोई जादू नहीं करेगा, यहाँ मेहनत आपको ही करनी होगी। और यकीन मानिए, जिन जिन लोगों ने आज तक इस मेथड का इस्तेमाल किया है उन लोगों की अपनी ज़िंदगी से शिकायतें खत्म हो गई हैं और सीधा उन्होंने अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही थी उसी में अपने बदलाव करने शुरू कर दिए, और यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी बदलने भी लगी। तो अगर आप अब वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो यकीनन आपको निकोला टेस्ला की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, तो क्यों ना मैं आपको उनकी और कुछ अजीब आदतों के बारे में भी बता दूं। जी हाँ, नंबर 1, वो ना सिर्फ ज्वेलरी से बल्कि कोई भी गोल या फिर स्फेरिकल शेप से भी बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे। बेशक सुनने में ही अजीब लग रहा है लेकिन ये बात सच भी है कि टेस्ला गोल चीज़ों के पास ज़्यादा देर तक खड़े होना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा उनको खुद के अलावा किसी और के बालों को छूना भी पसंद नहीं था। हालात तो तब बिगड़े जब दुनिया को टेस्ला के सोने का टाइम टेबल पता चला, और उस टाइम टेबल के मुताबिक टेस्ला पूरी रात में सिर्फ 2 घंटे ही सोया करते थे। वो हर रोज सुबह 9 बजे अपना काम शुरू करते थे और ये काम तकरीबन शाम के 6 बजे तक चलता। इसके तुरंत बाद वो अपना डिनर करते और वो डिनर हमेशा सफ़ेद दस्ताने पहनकर ही किया करते थे। खाना ख़त्म करते ही वो वापस अपने काम पर लौट जाते, और शायद आप विश्वास न करें पर वो रात को 3 बजे तक अपने इस काम पर लगे रहते। बेशक उनका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी था लेकिन फिर भी सर निकोला टेस्ला ने अपने इस लाइफस्टाइल के बाद भी 86 साल की उम्र का आंकड़ा छुआ। लेकिन कई लोगों ने बताया कि वो ऐसे ही चिड़चिड़े हो जाते थे या फिर कुछ चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई तो वो उनके पीछे पड़ जाते थे। जैसे कि नंबर 3, अगर उन्हें हाथ धोने हैं तो वो बजाय एक बार के लगातार 3 बार हाथ धोते थे। अगर उन्हें किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाना है तो वो उस बिल्डिंग के 3 राउंड्स लगाते थे। इसी वजह से आज के कुछ वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि सर निकोला टेस्ला किसी तरह के ऑटिज़म स्पेक्ट्रम से पीड़ित थे, और ये ऐसी बीमारी होती है जो किसी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ सकती। वो दिन था 10 जुलाई 1856 का, जब निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। लेकिन ये जन्म भी कोई आम जन्म नहीं था, क्योंकि टेस्ला की माता जॉर्जिना ने टेस्ला को एक छोटे से घर में भयंकर तूफान के बीच जन्म दिया था। आज के ज़माने में ऐसे जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब के ज़माने में घर भी घास फूस के होते थे, और उसमें भी बिना किसी डॉक्टर के एक बच्चे को तूफानों के बीच में पैदा करना, और वो भी बच्चा आने वाले फ्यूचर में जीनियस बनकर सामने आया, कमाल की बात है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इन्फिनिटी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।